एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग, क्योंकि इस टाइम पे गुड मॉर्निंग का टाइम ही है, मतलब मॉर्निंग हो रहा है इस टाइम पे। और अभी हम लोग ना चाय वगैरह पी लेते हैं और उसके बाद जैसे धूप आ जाती है, हमारे इधर 8 बजे मतलब हमारे घर में इधर सामने धूप आ जाती है, तो सूरज बिल्कुल सामने पड़ता है घर के ना, तो 8 बजे के टाइम धूप बहुत अच्छे से आ जाती है। तो कई बार हम लोग बैठ जाते हैं थोड़ी देर के लिए, कई बार नहीं भी बैठते हैं क्योंकि आजकल उठना ही लेट होता है, तो फिर अगर बैठ गए ज़्यादा देर धूप में तो फिर काम बहुत ज़्यादा और लेट हो जाते हैं। तो अगर हो जाता है कभी कभी बैठ जाते हैं, तो अभी थोड़ी देर धूप में बैठे। और कैंडी को क्या होता है ना, हम लोग जैसे ही उठते हैं वो चिल्लाना शुरू जाती है, उसको होता है मुझे भी बाहर ले जाओ, तो उसको धूप में बिठा देते हैं हम मॉर्निंग में ही। वो बिल्कुल जो मॉर्निंग वाली धूप होती है ना वो लेती है। तो वहाँ थोड़ी देर बैठने के बाद यहाँ पर जो सोफ़े वगैरह थे वो सब मैंने ठीक कर दिए, अभी इनमें कवर नहीं लगाया है और थोड़े दिनों बाद लगाएंगे, थोड़े दिनों बाद ही आप देखेंगे, 1-2 दिन बाद लगा देंगे। और यहाँ पर ये बर्ड्स आ रखी थी बहुत सुंदर सुंदर, और यहाँ पर ना पेस्ट्री रखी हुई थी, मेरे हस्बैंड लेकर आए थे, 1 से 2 दिन हो गई थी, तो आशी और सिया ने भी नहीं खाई थी तो मैंने बाहर रख दी थी, तो ये बर्ड्स उन्हीं को खा रही हैं। और बहुत सुंदर सुंदर बर्ड्स आती हैं, लेकिन क्या होता है इनके पास जाओ ना तो ये भाग जाती हैं, इसलिए मैं ज़्यादा शूट नहीं करती हूँ। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है, अभी 9 बज रहे हैं अभी, तो हम लोग नाश्ते की तैयारी कर रहे हैं यहाँ पे क्यारी में आके। तो मम्मी इधर वो तोड़ रही हैं ये ना, हाँ पहाड़ी पालक, तो थोड़ा सा आटे मिला के वही हम पराठे बना देंगे, क्योंकि मॉर्निंग टाइम पे ना बहुत वो हो जाता है क्या बनाओ क्या बनाओ, तो दिन भर तीनों टाइम ही ऐसे होता है लेकिन मॉर्निंग के टाइम पे ज़्यादा होता है और जल्दी बनाना भी होता है। तो मम्मी इधर पहाड़ी पालक जो हमारी लगी हुई है ना वहाँ पे, वो मम्मी कट कर रही है, तो वही मैं आटे मिला दूँगी, हम लोग पराठे बना देंगे फटाफट से, बन भी जाएंगे वो। तो ये हमारी पहाड़ी पालक हो रही है इधर, अभी ये और बड़ी होनी है तभी और अच्छी हो जाएगी बड़ी बड़ी। तो इस वाले में लगी हुई पहाड़ी पालक मैंने आपको दिखाया था, तो इधर धूप अच्छी आती है ना तो इधर हो जाता है। इधर मम्मी थोड़ा थोड़ा धनिया, थोड़ा मेथी, मतलब मेथी तो ख़त्म ही है, वो लगी नहीं रही है, मेथी बहुत ऐसी हो गई ना, ये हुई नहीं पता नहीं क्यों इस बार बिल्कुल भी नहीं हुआ, तो बस ये मिक्स करके बना देंगे। तो ये मम्मी तोड़ रही है इधर, तो बहुत है बहुत है, मेथी मेथी हो भी रही इधर पता नहीं, ये वाला तोड़ दो इधर वाला, ये ना इसको लेके जा रही हूँ मैं, नहीं अच्छा मैं इधर से जाती हूँ, मैं ना कोई इधर दरवाज़ा खुला हुआ ना। और हमारे यहाँ ना जो गमले हैं ना उनमें ये जो शो वाली मिर्ची होती है ना ये लगा रखी थी, ये बहुत ज़्यादा हरी थी, अभी ये सारी लाल हो गई हैं और इतनी सुंदर लग रही थी ना, इनका लाल कलर ना मतलब बहुत अलग वाला बोलते हैं टमाटरी या फिर वो चेरी वाला होता है ना रेड कलर, इस टाइप से है ये, तो बहुत अच्छा लग रहा था। और हम मम्मी और मैंने ना ये एक बार खाई भी है, वैसे तो भैया बोलते शो वाली है लेकिन हम लोगों ने इसको खाया था, ये बहुत तीखी हैं और मम्मी तो बोल रही थी अभी इसे खा भी सकते हैं, तो हमने ऐसे बहुत ज़्यादा नहीं क्योंकि ये दिखाने के लिए होती हैं वाली है ना इसलिए, तो 1-2 बार हम लोगों ने खाई, बहुत तीखी है मिर्ची, मैंने कहा मैं आपको भी दिखाती हूँ। बच गए दिन के, ये वो आशीर्वाद ने क्या करा हाँ, तो तुम दोनों तो बैठे थे यहाँ पे, उन्होंने यहाँ से उठाया, दोनों डांस कर रहे थे अपना, ये तो ये दोनों आजकल पता नहीं कौन सा इनका ब्लैक पिंक पता नहीं क्या सा गाना चलता है, मुझे तो पता भी नहीं, उसमें डांस करते रहते हैं अपना। दिन के 1 बज गए और अब मैं जा रही हूँ लंच बनाने के लिए, थोड़ा सा वीडियो की एडिटिंग करें इसलिए लेट हो गया लंच बनाने में, मम्मी अभी घर पे है नहीं, मम्मी हमारे पड़ोस में वो है आश्रम है ना, तो वहाँ पर आज वो है कीर्तन वगैरह, तो मम्मी वहाँ गई है और शायद भंडारा सा भी है कुछ, तो मम्मी वहीं पर करेगी और मैं घर में बना रही हूँ, क्योंकि फिर अभी पापा भी करते ना, पापा भी हैं आशी और सिया भी हैं, तो वैसे तो आंटी बोलती सब आना लेकिन फिर वही मम्मी चलेगी तो मम्मी कर लेगी ना वहाँ पे जो भी उनका भंडारा लंच जो भी होता है वो मम्मी कर लेगी। और मैं अभी झोली बना रही हूँ, मैंने इनसे मट्ठा मंगा दिया था मॉर्निंग में, क्योंकि फिर दिन में ये भी मना करते मैं खाना खाने नहीं आऊँगा, मेरे लिए खाना मत बनाना, तो फिर मैं क्या बनाऊँ, झोली बनाते हैं दाल रोज़ रोज़ ना अजीब हो जाता है खाने में, तो फिर अब मैं झोली बना रही हूँ। और आज संडे है हाँ, लेकिन संडे ना लग नहीं रहा, ऐसा लग रहा है कल संडे था, और कल हम लोग इतना लेट पहुँचे ना, मतलब हम लोग वहाँ से हम डाक पत्थर गए थे, थोड़ा बहुत ही डाक पत्थर में घूमे, ज़्यादा नहीं घूमे क्योंकि मेरे हस्बैंड बोलता है हो गया घूम लिया देख लिया चले ऐसे इस तरह से करते हैं वो, तो फिर ऐसा होता है कि चलो भाई, तो फिर हम लोग आ गए थे। लेकिन सुद्धो वाला में ना बहुत ज़्यादा से जो प्रेमनगर के बाद है इतना ट्रैफिक था कि मैं 2 घंटे लग गए वहाँ ट्रैफिक से निकलने में, और फिर प्रेमनगर से हमारे घर का जो डिस्टेंस है ना
वहाँ पर बिल्कुल खाली थी, वहाँ पता नहीं क्यों इतना ट्रैफिक हो रखा था बताने। तो हम लोग 7:30 बजे घर पहुँचे और वहाँ से हम लोग निकल गए थे 4:30 बजे के टाइम। इतना लेट हम लोग घर पहुँचे, और जबकि हमारा घर वहाँ से सिर्फ दोवाला से सिर्फ 15-20 मिनट की दूरी में गाड़ी में, लेकिन बहुत लेट हो गया था। तो आए फटाफट से, फिर ऐसी बस खाना फटाफट वाला ही बनाया हमने, कुछ स्पेशल खाना कुछ नहीं बनाया, बस चाचा जी लोगों के यहाँ हमने खाना खुना खा लिया था। फिर वहाँ से निकल गए थे और वहाँ पर डाक पत्थर में जो क्या बोलते हैं उसको, पानी जो था ना, नदी थी, वो इतना अच्छा लग रहा था। वहाँ पे बर्ड्स इतनी प्यारी प्यारी थी, मैंने ले रखा है, तो कल का वीडियो बस ऐसे ही बना हुआ है, तो आप लोग देख लेना। क्योंकि बिल्कुल भी हस्बैंड के साथ फिर क्या होता है, ब्लॉगिंग करना मेरे से थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि इनको तो ये चीज़ें पसंद है नहीं, और उनके सामने ना मुझे थोड़ा सा बोलने में झिझक होती है, क्योंकि जिनको इस तरह की चीज़ें पसंद नहीं है उनके सामने हम बोल भी नहीं पाते हैं ज़्यादा, ऐसा हो जाता है। बल्कि मुझे इतना साल हो गया है ब्लॉग बनाते हुए ना, लेकिन होता है कि इनको पसंद नहीं है तो फिर मैं ज़्यादा कुछ शूट नहीं कर पाती उनके सामने ना, और इनको बस ऐसे ही है, अच्छा ही लगता है ज़्यादा वीडियो मैं इधर बनाऊँ। तो इसलिए आपने देखा होगा हम हस्बैंड के साथ थोड़ा कम ही निकलते हैं, क्योंकि इनके साथ ब्लॉग बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मम्मी के साथ में निकलती हूँ तो हम लोग बिल्कुल अपना मर्जी से, जो भी हम लोग बनाए ना अपनी मर्जी होती है। इसलिए तो ये दो मट्ठा लिए आए थे, उसको मैं फटाफट बनाती हूँ, क्योंकि 1 बज गए हैं, 2 बजे तक लंच रेडी हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पे जो झोली है वो बन गई है, और अब मैं इसमें धनिया डाल रही हूँ। तो मैंने पकौड़ी नहीं बनाई है, सिंपल सी बनाई है, क्योंकि इतना टाइम नहीं है था कि मैं पकौड़ी बनाती, तो मैं सिंपल सी झोली बनाती है। अभी मैं इसमें धनिया डाल दूँगी, और इसका कलर इतना अच्छा लग रहा है ना, लेकिन वो कैमरा पे आता नहीं है पता नहीं क्यों। तो बस झोली बन गई है, इधर मैंने चावल भी चढ़ा दिए थे तो चावल ही बन गए। अब मैं खाना लगा रही हूँ, तो ये है ठंड में यम्मी यम्मी सी गर्म गर्म झोली ना, अच्छी लगती है। और अभी हो चुका है नेक्स्ट डे, उसके बाद मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाया है, और यहाँ पर मॉर्निंग में मम्मी जो है ना कैंडी को नहाई नहाई करवा रही है। तो कैंडी काफ़ी दिनों से नहाया नहीं है। कैंडी को क्या होता है ना, कैंडी हो या कोई भी डॉगी हो, ज़्यादा सर्दियों में वैसे मना करते हैं डॉक्टर भी, ज़्यादा नहलानी चाहिए। तो हम लोग इसको मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन जब मम्मी नहलाती है ना इसको, तो बहुत अच्छे तरह से ऐसा नहलाती हैं कि लग रहा है महीने भर भी नहाया ना, तो ये बिल्कुल ठीक रहता है और अच्छा मतलब साफ़ रहता है। तो मम्मी इसकी जो नहलाई धुलाई ये बहुत अच्छे से करते हैं, बच्चे को नहलाते हैं ना तो सेम मम्मी ऐसे खूब इसे रगड़ रगड़ के खूब अच्छे से नहलाती है मम्मी इसको। और वैसे आपने देखा होगा हम इसे बाहर नहलाते हैं, तो जब गर्मियाँ होती हैं तो जैसे मोटर का पानी खोल दिया तो ठंडे पानी से नहा लेता है गर्मियों में, अभी ठंडा है तो फिर उसको भी ठंडा लगेगा बेचारे को। तो हम लोग इसको फिर गीज़र में पानी रहता है गर्म, तो गर्म पानी से इसकी नहाई नहीं होती है, और बहुत दिख रहा हो मम्मी कैसे इसको रगड़ रगड़ के नहला रही है, और इसको मज़ा भी आ रहा है। बस बात यह कि ना थोड़ा सा काटने लग जाती है, तो इसके मुँह में हमें बांधना ही पड़ता है। इसने एक दो बार ना मम्मी को की कोशिश करी है, तो फिर तब से मम्मी इसका मुंह बांध के तभी इसको नहलाती है। तो यहाँ पर हमारा कैंडी अभी नहा धो के चबक जाएगा, मैं अभी आपको दिखाऊंगी जब ये नहा जाएगा ना, ये देखो कितने भयंकर तरीके से नहा रहा है, ये देखो। टाइम अभी दिन के 1 बज के है, मैं आपसे अब बहुत देर बाद मिल रही हूँ। एक्चुअली टाइम का ना एक मिनट टाइम का कुछ पता ही नहीं चल रहा है, कब सुबह हो रही है, कब शाम हो रही है, कब दिन हो रहा है, और ऐसे हो जा रहा है। बस अभी सीएफ की क्लासेस चल रही हैं, आशिकी की क्लास हुई है, दूसरी क्लास अभी आई नहीं है, तो सीएफ की क्लास चल रही है, इंग्लिश की वो क्लास कर रही है, आज से इनकी क्लासेस स्टार्ट हो गए हैं। स्कूल भी इनके ओपन है, लेकिन जो बच्चे स्कूल ले जा रहे हैं उनकी ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, तो ये अभी क्लास कर रही है अभी। और मैं अब लंच बनाने आई हूँ, किचन थोड़ा सा ठीक करती हूँ, किचन भी फटाफट से बस नाश्ता करके ऐसी ही है अभी, मतलब बर्तन सब वॉश करे हुए, सब लगाना है, थोड़ा सा ठीक करना है। ये बार बार किचन में चढ़ता है, देखो कितनी गंदा करा हुआ, ये सब मैं साफ करती हूँ। देखने में भी ऐसा लगता है ना ये बच्चे सामान इधर से उधर कर देते हैं, इन सब चीज़ों को ठीक करती हूँ। यहाँ देखो चढ़ चढ़ के भी ऐसे कर देते हैं, ठीक करती हूँ, फिर दाल बनाती हूँ। अभी मैं दाल बनाऊंगी अरहर मलका की, फटाफट वाली जो दाल बनती है ना वो मैं बना रही हूँ जल्दी से।
यहाँ पे मैं जितने भी बर्तन है ना नाश्ते के वो लगा रही हूँ, और आशी का आज ट्यूशन में टेस्ट भी है तो इसलिए मैं उसको थोड़ा सा, वो आके पूछ रही थी मुझसे, तो क्या होता है ना थोड़ा सा मैंने सुबह भी पढ़ाया था, और ऐसा भी नहीं है कि हम लोग ट्यूशन के भरोसे ही रहें कि, क्योंकि एक घंटे में उतना नहीं हो पाता है, थोड़ा सा घर में करना ही पड़ता है। वो तो जो भी उसको ट्यूशन का होमवर्क मिलता है वो खुद से करती है, क्योंकि उसकी मतलब जहाँ पर ट्यूशन पढ़ती है ना वो खुद से बोलती है कि जो भी करना है खुद करो, घर में मतलब पूछना नहीं है, क्योंकि तभी बच्चे को पता चलता है बच्चा कितना समझ पा रहा है ना। लेकिन हल्का फुल्का वो मेरे से पूछती है, और फिर आज तो टेस्ट था तो वो पूछ ही रही थी मुझसे ना, तो वो बताया मैंने साथ में जो बर्तन है वो लगा दिए हैं। यहाँ पे साइड जो का जो कॉर्नर था ना, यहाँ पे हमारे स्पून वगैरह रहते हैं, यहाँ पे बहुत घिचपिच हो रहा था, बहुत ज़्यादा प्रसाद वगैरह था, वो भी ये आशी और सिया बस निकाल के वहीं रख देते हैं चीज़ों को, तो वो सब ठीक करा और अब थोड़ा सा साफ लग रहा है, तो नहीं तो फिर बहुत अजीब सा हो जाता है ना। तो ठीक करने के बाद ही मैं खाना चढ़ा रही हूँ। अब मैं अरहर मलका और उड़द की मिक्स दाल करके बना रही हूँ, क्योंकि मैंने आपको हमेशा बोलती हूँ ना ये बहुत जल्दी से बन जाता है, और थोड़ा सा बनाने में भी अपने आप को ईजी रहता है, क्योंकि फिर थोड़ा सा ऐसा होता है धूप में बैठना भी होता है ना, तो मैं फटाफट से ये चढ़ा रही हूँ खाने में। आज हमारे मिक्स दाल बनेगी। घर के हैं हमारे, मतलब बहुत साल पहले, मतलब जब मेरी शादी हुई थी ना तब हमारे घर में हाउस हेल्पर आंटी थी, सविता आंटी, तो और आज तक भी वो यहाँ पर आती हैं, मतलब हमारे यहाँ तो नहीं करती हैं लेकिन यहाँ पर आती हैं। तो उनके उधर ना घर पे लगे हुए थे ये आंवले, तो उनकी बेटी लग गई है, और वो छठ पूजा होगी उसका प्रसाद हो गया या कुछ भी वैसे चीज़ें लौकी लाके भी उनके लगते हैं तो देने आ जाती हैं वो, तो इतने सारे उन्होंने आंवले दिए हैं, ये हैं, तो मैंने इसको फ्रिज में रखा हुआ था, आज मैंने निकाल दिया है। सिया ना इसको निकाल के धो के खा रही थी, तब मुझे याद आया कि फ्रिज में तो मैं ध्यान से उतर गया था, तो मैं इनको धो के अच्छे से सुखा दूंगी और इनका मैं अचार बनाऊंगी, क्योंकि चटनी भी हम लोग इतना तो खा नहीं पाते हैं और वैसा आंवला भी एकदम से नहीं खा जाता, अचार ही होता है कि थोड़ा चटपटा रहता है, तो खाने के साथ खा लो, पराठे के साथ खा लो, खाया जाता है, तो मैं इसलिए सोच रही हूँ इसका मैं अचार बना लेती हूँ। तो आंटी का मतलब वो है कि अजला देती हैं, उनके घर कुछ ऐसी चीज़ें लगती हैं दे देती हैं, और दाल में सीटी आने वाली है अभी, और ये मलाई है जो मैंने आपको भी दिखाई है, इसका मैं मक्खन बना रही हूँ, क्योंकि अभी जो प्लेट है ना ऊपर से देखो कैसे उन्हें लग गई गंदी गंदी, मतलब उस पर चिपकने लग गए मलाई ना, तो इसका मैं मक्खन बना रही हूँ, उसका घी बनाऊँगी मैं। और गाय का दूध आता है ना हमारे यहाँ, तो बहुत ज़्यादा मलाई नहीं जमती है गाय के दूध में, भैंस के दूध में ज़्यादा मलाई जमती है, इनका दूध बहुत पतला होता है तो मलाई भी। तो यहाँ पे आंवले जो है मैं सारे के सारे वॉश कर दूँगी, और अभी ये ना बहुत ज़्यादा ठंडे भी हैं, क्योंकि फ्रिज में ये शायद 2 से 3 दिन हो गए हैं रखे हुए थे ये, तो अभी इनको धोने के बाद अच्छे से सुखाना भी है, क्योंकि अगर हम लोग कोई मतलब किसी भी चीज़ का अचार बनाए ना तो उसमें बिल्कुल मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, तो अचार बहुत जल्दी ख़राब होता है, चाहे फिर हम उसे प्लास्टिक में रखें चाहे हम कांच में रखें, तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी चीज़ मतलब उसमें मॉइस्चर या हल्का सा पानी जैसा नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल सूखा हुआ होना चाहिए जिस चीज़ का भी हम अचार बना रहे हैं। तो इसको धो दूँगी मैं, और 2 बास्केट में मैं इसको करके रख दूँगी, क्योंकि एक बास्केट में ना ये हुआ नहीं ढंग से, एक के ऊपर एक रहते हैं आंवले इस वजह से, तो अलग अलग रखूँगी तो ये आराम से हो जाएंगे, और मैं इंस्टेंट अचार इसका बनाऊंगी, तो जब बनाऊंगी तो आप लोगों के साथ भी इसको शेयर जरूर करूंगी मैं। वैसे पहले मैंने एक बार शायद करा हुआ भी है, काफ़ी अच्छा होता है, और आंवला तो वैसे भी आपको पता है बहुत ज़्यादा हमारी आंखों के लिए बालों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। टाइम अभी शाम का हो गया है,
पौने 6 बजने वाले हैं और अभी कपड़े थे थोड़े से बहुत, वो मैंने फोल्ड करके रख दिए हैं। और मैंने मक्खन जो निकाला था ना, लेकिन वो मक्खन पता नहीं जो पहली वाली मलाई था उसका मक्खन निकला है, लेकिन वो ढंग से नहीं निकल पाया मुझे ऐसा। मैंने फिर उसे मिक्सी में भी घुमाया तो भी नहीं हो पाया, फिर मैंने हाथ से करा तो भी नहीं हो पाया। मेरे साथ पहली बार ऐसा हुआ है कि बना ही नहीं है मक्खन, पता नहीं क्यों ऐसा हुआ। तो मैंने फिर उसे फ्रिज में रख दिया था, थोड़ा निकला है थोड़ा रह गया है, वो मैं अब करूँगी शायद। आजकल ठंडा बहुत है ना, इस वजह से निकला नहीं है। तो अब मैं जो दूसरा वाला डोंगे में था ना मलाई, वो मैं दोबारा से मक्खन बना रही हूँ, फिर मैं उसका घी बनाती हूँ। और आंवले मैंने सुखाने के लिए रख दिए हैं, आंवले मैं फिर अब देखूँगी शायद कल बनाऊँगी उसका अचार, तो आप लोग सब भी शेयर करूँगी। अचार मतलब मैं ऐसा अचार नहीं बनाती हूँ जो हम लोग सुखाते हैं, मैं इंस्टेंट वाला बनाती हूँ। मैंने एक बार शायद पहले भी आप लोगों के साथ शेयर करा होगा शायद, तो वो इंस्टेंट वाला भी ठीक रहता है, बिल्कुल वैसे ही लगता है जैसे हम लोग सुखा के बनाते हैं ना, सेम वैसे लगता है, लेकिन खाने में अच्छा होता है। फिर क्या होता है ये ना आंवले ख़राब हो जाएंगे, वो तो मैंने फ्रिज में रखे थे तो थोड़ा सा ठीक है। तो इनको मैं बनाऊंगी तो कल आप लोगों के साथ उसकी रेसिपी शेयर करूंगी मैं। अभी मैं जो मक्खन है वो निकाल देती हूँ पहले मैं। तो मैंने जो ये है ना आंवले हैं, इनको इस तरह से रख दिए दो बास्केट में, क्योंकि वो एक बास्केट में ना ऊपर नीचे उड़ता था तो फिर गीले से उड़ते, और ये मैंने दोनों अलग अलग बास्केट में रखा था, तो आंवला सूख गया है। हल्का सा मॉइस्चर होगा जो कि कल तक हट जाएगा, फिर इसका हम आंवले बनाएंगे। और अभी देखो फ्रिज में थे ना तीन चार दिन तो भी शायद ज़्यादा हो गए हैं, बिल्कुल ठीक है, बाहर होते तो ख़राब हो जाते हैं। जैसे कि हल्का हल्का ही हो रहा है, तो वैसे ख़राब नहीं है ये, हल्का सा पता नहीं क्या इसको दाग जैसा हो रखा है। तो ये आंवले मैंने यहाँ पे रख दिए हैं। तो मम्मी ने यहाँ पे बना दिया आज की। हेलो नमस्कार प्यारे मेरे बच्चों को, ढेर सारा आशीर्वाद, बहुत बहुत प्यार और हैप्पी न्यू ईयर आप सबको, आपके परिवार को, है ना। हाँ। नया साल अच्छा जाए सबके लिए, है ना। सब व्याधियाँ सभी बीमारियाँ सब दूर करे ईश्वर, यही दुआ करो और तो कुछ नहीं मांगो, बस यही मांगो, है ना। और ना जब व्याधियाँ बीमारियाँ दूर होगी तो आदमी अपना भी स्वस्थ होगा, है ना। तो बस यही चाहते हैं और ये बना रहे हैं। दाल बची हुई थोड़ा, हमने कहा आलू बना देते हैं, मम्मी ने बना दी, मैंने कहा चल आलू मैंने बना दिए, तो बस हम खाते हैं। रोटी चलिए आइए आप भी खाइए। तो इसमें मम्मी हरा धनिया डालेगी, हमारे कैरी का धनिया डालो। हाँ ये वॉश कर दिया ना, तो ये अभी काट के हम इसमें डाल देंगे और बस हमारा डिनर बन गया है। टाइम अभी 7:15 बज रहे हैं और अपने ब्लॉग का ना हम यहीं पे ऐड कर देते हैं। ब्लॉग अब एडिट करूंगी मैं थोड़ी देर में, ठीक है। और ऐसी प्यार देते रहिएगा, है ना। और ऐसी शेयर कीजिएगा हमारे वीडियो को, इसके वीडियो को, मेरे वीडियो को, हमारे वीडियो को, इसके हमारे, नहीं नहीं हमारे वीडियो। तो ऐसी प्यार दीजिएगा पूजा को और ऐसी लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, है ना, अपने साथियों को शेयर कीजिएगा, है ना। तो नए साल में खूब बड़े आगे बढ़े, मैं यही दुआ मांगती हूँ ईश्वर से, ये खूब तरक्की करे, खूब कामयाबी पाए और आप लोगों का प्यार पाए, बस ऐसे इसको आशीर्वाद देते रहना। और यही प्रार्थना करती हूँ ईश्वर से, आप लोग सब खुश रहे, स्वस्थ रहे और क्या, बस आप लोगों का साथ ही बना रहे, है ना। ठीक है, तो चलिए ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। शुभकामनाओं सहित आपको ढेर सारा प्यार, बाय, गुड नाइट।